नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के स्वच्छता अभियान को धता बताती गुना की ही एक दूसरी तस्वीर। आज हम बात कर रहे हैं वीआईपी कॉलोनी की, जिसके रहवासियों के अनुसार यह कॉलोनी सिर्फ नाम मात्र की वीआईपी है। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। नालियों का गंदा पानी रोड पर आता है, वहीं गंदा पानी भरा रहता है। इसके चलते बीमारियां फैल रही हैं, साथ ही मच्छर भी पनपते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलोनी के वासियों ने इसकी शिकायत नगर पालिका में न की हो, जबकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर तक उन्होंने इसकी शिकायत की है। इसके बाद भी कॉलोनी के रहवासियों को आज तक कोई सुविधाएं नहीं मिल पाई है। जब वहीं हमने कॉलोनी के रहवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि कॉलोनी की हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं। गंदी नाली का पानी रोड पर आता है, जिससे लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, और प्रशासन है कि इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, नाली का पानी फैला हुआ है। यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला है नहीं। नगर पालिका हम शिकायत कर चुके हैं कई बार, उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कॉलोनी का नाम वीआईपी है, इसकी देख रेख करने वाला अभी तक कोई नहीं है। कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, उसके बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं, नाम वीआईपी रखा है, बाकी इसकी और किसी का ध्यान नहीं है अभी तक। दो तीन बार नगर पालिका में आवेदन भी दे चुके हैं सफाई के प्रति, यहाँ सफाई भी नहीं होती, कुछ झाड़ू भी नहीं लगता है। तो हमारे हाथ में थोड़ी है, मोहल्ला वाले सोचे इस विषय को। क्या हो रहा है आपके मोहल्ले में ये पूरा? अब वो गंदगी फैला रहे हैं, मोदी जी की बात है कोई मान नहीं रहा है। मोदी जी की बात है मान है, दुखी ना करे किसी को। सफाई अभियान खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की संकल्प यात्रा हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि 17 तारीख से संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसका प्रथम एवं द्वितीय चरण पूरा हो चुका है। आज की समीक्षा बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि किस तरह से पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए कार्य करते हैं एवं घरों से बाहर निकलकर संकल्प यात्रा को सफल बनाए। आम आदमी पार्टी की संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक है, जिसमें सभी पदाधिकारी पधारे हुए हैं। विगत 2 दिसंबर 17 से हमारी संकल्प यात्रा चल रही है। पहला चरण, दूसरा चरण पूर्ण हो चुका है, लोकसभा स्तर पर है। उसके प्रभारी हमारे डॉक्टर रमेशचंद शर्मा जी हैं, वो जगह जगह यात्राएं ले रहे हैं, और गुना और पमोरी विधानसभा में भी हमने संकल्प यात्रा की है, उसकी समीक्षा है। अब तीसरी संकल्प यात्रा हम चालू करना है। प्रत्येक पदाधिकारी अपने घर से निकलेगा और हम बदलेंगे मध्य प्रदेश संकल्प लेकर जाएंगे। इस बार निश्चित ही हम मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। सहायक शिक्षक परमाल सिंह रघुवंशी ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन एक निजी होटल में किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ उनके पदस्थ स्टाफ के लोगों ने उनके साथ मारपिटाई की, जिससे उन्हें आज भी शरीर में कई सारी चोटें मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने भी उन पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर मारपीट की। बताते हैं कि पुलिस एवं उनके सहायक शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाए और उन्हें दंड दिया जाए। बता दें कि परमाल सिंह अशोकनगर में पदस्थ हैं और उनके मुताबिक अच्छे काम करने के बदले में उनके साथियों ने उनके साथ मारपिटाई की है। मैं देख रहा हूँ, मैंने 30 साल पूरे जीवन में बहुत अच्छी उत्कृष्ट शिक्षा दी है और उसका परिणाम मुझे आखिरी में अभी ये भुगना पड़ रहा है कि मेरे कंधे में जो है गंभीर जख्म है और मेरे पैर में
कानों में गंभीर चोटें हैं, मतलब ऐसी मारपीट मेरी करवाई है। मेरे स्टाफ के शिक्षक होने मुंगाली के नितिन श्रीवास्तव, जलील मोहम्मद, रमा शंकर जाटव, बाबूलाल अहरवाल, रेखा प्रयाग, मीरा नाराज, ये 6 लोग अधीक्षक आश्रम छात्रावासों के अधीक्षक हैं। इनने अधिकारी बीएल परमार बैठे रहे और मुझसे शिकायत करवा ली। मैंने शिकायत कर दी साहब रेस्ट में सांसी, मोगिया, अगरिया, बंजारे, सहरिया, ये बच्चे भूखे रहते रेस्ट में, भूख लग जाती दो दो रोटी दे दिया करो। इसी बात पे से मेरी इतनी मारपीट करवाई भारी लोगों से और ये लोग खड़े रहे और कोई गवाह, आज तक 3 साल हो गए मुझे कोई गवाह नहीं मिलने दे रहे हैं। मैं ड्यूटी में ऐसा फंसा हूँ, जहाँ भी अभी मैं माध्यमिक विद्यालय पीलीघाटा हूँ वहाँ से कैसे जाऊँ, हेडमास्टर नहीं छोड़ सकता, ऐसा कोई है नहीं कि छोड़ के कहीं भी चल जाओ। ऐसी स्थिति में मैं परेशान होता होता कभी रात को मुंगावली जाता हूँ, वहाँ पे मंत्री संतरी सभी रहे, उनने भी कहा कि आप लोकल के लोगों से मिलें, लोकल के लोगों को बताएं, लेकिन वो माफिया 25 साल से वहाँ जमा हुआ है, लोकल के आदमियों को बोलने नहीं देता, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी क्या है कि प्रदेश स्तर पर मीडिया उसको दिखाए और जो है प्रभावी ढंग से जो है मीडिया यदि खबर बनाता है तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारी जो है कलेक्टर साहब ने कहा है, लेकिन क्या है जब कोई गवाही नहीं मिलेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे तो अधिकारी हमारे मजबूर हो जाते हैं। और अधिकारी बीएल परमार जी और जुगल किशोर पारसर जी इसमें दोषी हैं। थाने पे वो गए तो थाने पे कहना था कि हमारा ईमानदार कर्मचारी, फिर भी थाना प्रभारी मुझे नहीं पूछता, इसलिए इसमें जुगल किशोर पारसर जी जो हमारे सीईओ हैं वो भी इसमें दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई की मांग करता हूँ मैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में संगठन समीक्षा एवं कार्यकर्ताओं को सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएस मंडोलिया मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस सम्मेलन के माध्यम से ये बताया गया कि किस तरह से पार्टी को और आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि आगामी समय में चुनावी वर्ष है, जिसके चलते इस तरह से पार्टी को खुद को काबिल कर सके। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई कि बहुजन समाज पार्टी को एक व्यापक रूप प्रदान किया जाए। कुमराज नगर परिषद के अध्यक्ष रामबाबू परियार जी, संतोष बोस जी, महासचिव से शुरू हुई पीएससी की परीक्षाएं। प्रदेश भर में प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती हेतु पीएससी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने के लिए जिला कलेक्टर राजेश जैन ने 8 सेंटरों का गठन किया था, जिसके चलते परीक्षाएं सुचारू रूप से हो सके। वहीं कलेक्टर राजेश जैन ने बताया कि आज परीक्षाओं में 90% उपस्थिति दर्ज की गई, साथ ही सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई। आज लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी, 8 सेंटर हैं गुना में और पहले दौर की परीक्षा हो चुकी है। सभी केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है, लगभग 90% के लगभग उपस्थिति है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष महाराज सिंह लोधा की अध्यक्षता में समस्त कार्यकर्ताओं को इस बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। उपस्थित माननीय सम्मानीय विधायक आदरणीय बंदरलाल शांति, भाई रमेश मालवीय जी, विदेश मंत्री सुजीत मोर्चा और उपस्थित सभी मंडल के पदाधिकारी, मैं बैठक की शुरुआत से
आदरणीय विधायक जी से, रमेश जी से अनुरोध करूंगा दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक का मंडल गुना की बैठक में इस बैठक की रूपरेखा मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर उसके पश्चात आदरणीय विधायक जी का उद्बोधन। 11 तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को लेकर पूरे मतदान केंद्र तक जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे उसकी आप कामकाजी बैठक है, उस कामकाजी बैठक के लिए यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो काम किए हैं उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए, शिवराज जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता लगे थे। आज उन कार्यकर्ताओं की बैठक है माननीय मंडल अध्यक्ष जी महाराज सिंह लोधा जी की अध्यक्षता में। तेजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।